हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। अजय जी, राहुल गांधी की नागरिकता पे फिर से सवाल उठने लगे हैं, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है। देखिए, राहुल गांधी जी का जन्म स्थान भारत है, इस भारत की मिट्टी में जन्मे हैं और राहुल गांधी जी की नागरिकता पर सवाल उठाना, मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण वाली बात है। जिसका पूरा परिवार समर्पित हो इस देश के लिए, जिसके पिताजी से लेकर दादी से लेकर इस देश के लिए कुर्बान हुए, उस देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित परिवार है और निश्चित तौर से राहुल जी इस देश के एक सेवा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सेवा लगातार किया है, कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर इस देश के लिए हमेशा खड़े रहने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, मुझे लगता है कि उस पर उनके ऊपर उंगली उठाना ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार सवाल खड़े करे हैं नागरिकता को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से खुद सवालों के घेरे में रही है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज तक इन्होंने कभी देश सेवा के लिए काम नहीं किया। जिसको वीर करते हैं, वीर किसी वीर के लिए आगे वीर लिखा नहीं जाता, वीर सावरकर लिखा जाता है। इसका मतलब कि सब देशद्रोही हैं, देश के हमेशा खिलाफ काम किया है इन लोगों ने और वीर लिखकर वीर बनना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ने कभी वीर नहीं, वीरता दिखाया है उन्होंने, लिखा नहीं नाम के आगे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर हरियाणा में गठबंधन नहीं हो पाया और उत्तर प्रदेश में भी कशमकश बनी हुई है, सवाल खड़े हो रहे हैं गठबंधन को लेकर। 5 सीटों की मांग आप कर रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से खबरें आ रही हैं कि 2 सीटों पर रजामंद हैं। देखिए, हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दे दिया बहुत पहले 5 सीटों का, बाकी हरियाणा में जम्मू कश्मीर में क्या निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है वो निर्णय उनका है। हमारा जो प्रस्ताव तो हमने दिया, आगे निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, हमारी तैयारी है। हम 29 तारीख से संविधान सम्मेलन करने जा रहे हैं जो 19 तारीख तक चलेगा, उसमें अपना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद।